मेरी बेटी है और ये हमेशा पढ़ने में अव्वल रही है और हमारे बिना गए कभी इसको कहना नहीं पड़ा कि बेटा तू पढ़ या तू अपनी तैयारी कर, हमेशा इसने अपने आप अपनी तैयारी की है। और ये मतलब यूं समझो कि तृप्ति जो था मेरी पढ़ाई का जो मैंने सोचा था उसी अनुरूप इसने अपना सारा काम किया है। तो अब मैं ये समझता हूँ कि यदि ये ससुराल जाती है तो मुझे तो लगेगा कि मेरा जो एक दिल है वो पूरा इसके साथ ही चला जाएगा और हमेशा मुझे रहेगा कि मेरी बेटी को मैंने ससुराल भेज दिया है और फिर इसकी कमी तो हमेशा खलेगी। तृप्ति हमेशा जब हम दोनों आपस में कभी भी लड़ते झगड़ते हैं तो चाहे मेरी गलती है या नहीं हमेशा अपने पापा को डांटे, पापा हमेशा मम्मी को ऐसे क्या डांटते रहते हो, वो आपकी पत्नी है ना, वो मेरी माँ है, उसने कितने मुश्किल से इतना हम सबको बड़ा किया है, हमेशा वो अपने पापा को डांटे। कभी भी मेरे को ये नहीं कहे मम्मी मम्मी को आप ऐसा नहीं कहोगे, आप मम्मी को ऐसे कहोगे मैं आपसे बात नहीं करूंगी, वो हमेशा वो पापा को डांटेगी और मेरी हमेशा पक्ष लेती है। तारी वाट रे बेड़ा मणि कर सूय में फरिया
खम्मा घणी मारी दीकरी ने खम्मा घणी मारी लाडकी रे ना नगड़ी फरी जानी ले मारो मारी लाडकी रे ए मीठूड़ी अमे जो सुतारी Thank you for being there all the time, and I, on that note, I wish you a very happy married life. खुश रहे ऐसी हम सब की कामना. शुरू हुई और मम्मी पापा ने बात कर दी थी कि शिनू तेरे लिए रितेश को देख रहे करके, तो उस टाइम में मैं शॉक हो गई थी और उस वक्त थोड़ी सी मैं कंफ्यूज थी क्योंकि मैं ऑनेस्टली रितेश को भैया बोलती थी कि रितेश भैया. कभी हमने सोचा भी था कि हम दोनों का शादी हो गया. मेरे जवाब में कभी था भी नहीं कि वो रितेश से शादी करनी है. पहले तो दो तीन दिन तक तो मैं शॉक में ही थी कि मेरी शादी होने वाली है क्योंकि मैं ऑलरेडी तत्तू सी बच्ची. तो वो एक पहला तो स्टार्टिंग में कहा रितेश भैया बोलो आपका कैसी है. तो बेटा तो मेरे को बोले भैया मत बोल तेरा मेरा शादी होने वाला है. तो भी मेरे स्टार्टिंग में तो मैंने कितनी बार रितेश को भैया भी बोला रहेगा कि एवरी टाइम मैं मेरे फ्रेंडशिप डिस्कस करती थी रितेश के बारे में. मैं उनको दो या तीन बार तो बोल देती थी कि रितेश भैया से मेरी शादी हो रही है. क्योंकि मेरे फ्रेंड भी बहुत चिढ़ाते इस चीज को लेकर आज भी चिढ़ाते हैं कि तो तेरे होने वाले पति को जो बोले तो भैया बोलती तू ग्रेट है. तो ऐसा हमारा कुछ तो भी एकदम ऐसा फिल्मी तरीके से हमारा हुआ था मिलना और हमारा शादी फिक्स होना. बहुत अच्छा है वो दिल से उसमें कोई डाउट नहीं है. तो एज ए नाइस मैन नाइस पर्सन ही इज लकी टू हैव मी बाय द वे ही इज वेरी गुड बाय हार्ट. उसका दिल बहुत साफ है दिल से बहुत अच्छा पर्सन है. ये है कि मैं जब भी अभी दीवार पे छिपकली को देखूंगा तो सुनू की बहुत मिस आएगी मिस करूंगा क्योंकि मुझको जिसको डराने का बहुत मजा आता था. ये तो तृप्ति की सबसे ज्यादा याद तब आएगी. दिवाली के टाइम पे सब एक साथ मिलते थे करते सबको शिनू दी की याद आएगी. पर सबसे ज्यादा मुझे आएगी क्योंकि टिकटॉक के लिए हॉस्पिटल मुझे वही देती थी. अब मैं कहीं बाहर जाऊंगी तो मेरा लाइनर कौन लगाएगा और अब मैं किसी के पास जा भी नहीं पाऊंगी लाइनर के लिए तो उनकी मुझे गरज करनी पड़ेगी.